नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर हरियाणा की खास खबरों पर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने ओलंपिक में रजत जीतने पर नीरज चोपड़ा को बधाई दी। जेवलिन थ्रो में नीरज ने जीता रजत, गांव खंडरा में खुशी, मां बोली साथ रही देशवासियों की दुआएं। हरियाणा सीएम का ऐलान, विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए देगी सरकार, सिल्वर मेडल के बराबर सम्मान मिलेगा। हरियाणा में अब पति पत्नी दोनों ले सकेंगे पत्रकार पेंशन, आपराधिक केस पर बंद नहीं होगी। बबीता फोगाट ने कहा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा राजनीति न करे, विनेश को हम 2028 ओलंपिक में उतारेंगे। जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला ने कहा, अगर मगर न करे भूपेंद्र हुड्डा, राज्यसभा में भेजे विनेश फोगाट को। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, कांग्रेस सरकार में मिलेगी खिलाड़ियों को उच्च पदों पर नियुक्ति, लागू होगी पदक लाओ पद पाओ नीति। विनेश फोगाट के चाचा महावीर फोगाट ने कहा, गीता बबीता को राज्यसभा क्यों नहीं भेजा था, विनेश को लेकर हो रही है सिर्फ राजनीति। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा, विनेश फोगाट को अगले ओलंपिक में मेडल लेकर दिखाना चाहिए क्योंकि देश उनसे पूरी उम्मीद रखता है। हरियाणा में अनुबंधित कर्मचारियों की मिली जॉब सिक्योरिटी, 1.20 लाख लाभान्वित होंगे। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से जाकर के हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।